आज रात 8:55 पर इस कॉल सेंटर में 22 लोगों की मौत हो गई है। मौका है वारदात पर सीआईडी आ चुकी है और अपनी जांच शुरू कर दी है। सबकी नाक से खून बह रहा है सर, ये जहर का मामला लगता है। हाँ, पर एक साथ सबको जहर दे दिया, क्यों? ऐसे भी क्या दुश्मनी? इन सबको जहर दिया कैसे होगा? अब एक एक को पकड़ के तो जहर दिया नहीं होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा सर जिसे एक साथ सब लोग मर गए। आप जीत खाने पीने में सी गया है जहर इनके शरीर में, पर जिसने भी ये किया है ना, सोच समझ के किया है। पूर्वी, सारी बॉडीज फोरेंसिक लैब भेज दो। सर, हेलो, एम्बुलेंस सर्विस? हाँ जी, मैं WQB ग्लोबल सर्विसेज से बोल रही हूँ। आप यहाँ पर 8 एम्बुलेंसेज भेज दीजिए। थैंक यू। रिया, ये सब कैसे हुआ, तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं सर, मैं तो वॉशरूम में थी, जब बाहर आई तो देखा ये सब मरे पड़े। कोई आवाज, कोई आहट, कोई चीख पुकार, कुछ भी नहीं सुना आपने? नहीं सर, कुछ नहीं। सर, सीसीटीवी फुटेज लड़ी थी। चलो देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, happy birthday to you. क्या बात है? मैं रिया को भी सुनाता हूँ। सॉरी बॉस। आई नो आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन क्या करता, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रिया का जो बर्थडे है, अगर मैं उसे ये गिफ्ट दूं तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। हैप्पी बर्थडे रिया। तुम्हारा नाउ गेट लॉस्ट, हम सबको ऑफिस में बहुत काम है। काम? बॉस, मेरे हिसाब से अमेरिका के वर्किंग आवर शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, और वो क्या है ना कि मुझे रिया से कुछ पर्सनली बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब जाओ यहाँ से। रियली? हेलो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब निकलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं तुम्हारे साथ, तुम निकल जाओ, मैं तुमसे बता रहा हूं। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? देखना है तुझे। बिल्कुल। बॉयज, इसको उठाकर ऑफिस से धक्के देके बाहर निकाल दो। रिया, रिया, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। रिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। योगेश, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, याद रखना। योगेश, तुम याद रखना। रिया, रिलैक्स यार, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्लीज रिया, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ओके, प्लीज मत रो। शाबाश, रिलैक्स। मैं आती हूँ। you
लड़का कौन था जो जिसे धक्का दे के बाहर निकाला गया? सर, उसका नाम देव है। मैं उससे प्यार करती थी। अच्छा, प्यार करती थी, अब नहीं करती प्यार? नहीं सर, वो बात बात पे गुस्सा करता था, उल जलूल बातें बोलता था, इसलिए मैंने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। तो फिर ये ऑफिस में कैसे आ गया? सर, वो एक्चुअली इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन रोज उसका किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। इस वजह से हमारे जो बॉस थे योगेश जी, उन्होंने उसको काम से ही निकाल दिया। और वो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बधाई देने पहुंचा था? जी। अरे भाई, कम ऑन गाइस, चीयर। चलो भाई, केक खिलाओ सबको। पार्टी। अरे भाई, वो रत्नेश के लिए भी थोड़ा केक बचा के रखो, पता नहीं कहाँ चला गया। दो जरा। चलो एंजॉय करो तुम लोग सब। सर, हाँ सर, आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो यहाँ पर गेट लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरा भी ठीक नहीं हुआ था। क्या सर, मैंने कंपनी में दोबारा फोन लगाया। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि टेक्नीशियंस को उन्होंने भेजा है, पर यहाँ पर तो टेक्नीशियंस आए नहीं। इसका मतलब सीसीटीवी ठीक नहीं हुए, राइट? अरे सर, मैंने कंपनी में फिर से फोन लगाया और टेक्नीशियंस को बुलाया और कैमरे ठीक करवा दिए। गुड जॉब स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। God. Simran, Simran, ये तो मर गई है। सर, ये सब कैसे? सब हंसते हंसते मौत के मुंह में चले। लेकिन एक बात नोटिस की तुमने? क्या सर? सभी लोगों ने केक खाया, सिर्फ रिया ने नहीं। हाँ सर, और इसलिए रिया जिंदा बची है। बचा हुआ केक कैबिन की तरफ ले गए हैं, जाओ जाकर देखो कुछ है क्या। सर, योगेश, हेलो सीआईडी सर, केक मिल गया। रिया, ये केक किसने लाया था? सर, योगेश। योगेश, तुम्हारे बॉस ने? लेकिन उस बेचारे ने भी तो केक खाया था और मर गया। केक को फॉरेंसिक लैब भेज दो। इस ऑफिस को अच्छी तरह से जान मारते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा।
ये देखिए। जानबूझकर तोड़ा गया। सर, खून खोलो इसे। लाश सर, इसकी नाक से तो खून नहीं निकल रहा। यहाँ सीने के नीचे घाव है। हाँ, ये रहा है। हाँ सर, लगता है किसी धारदार हथियार से मारा गया इसे। मर गया तो फ्रीजर में डाल दिया। ये क्या इसके हाथ में है? कैमरा सॉल्यूशंस, लगता है हाथापाई में ये शर्ट का पॉकेट हाथ में आ गया। उसके साथ साथ ये रिसीट भी। देखते हैं ये एनबी कैमरा सॉल्यूशन है क्या। इसका फोन नंबर है। हेलो हेलो, एनबी कैमरा सॉल्यूशंस, मैं एसीबी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। हेलो सर, एक बात बताइए, क्या आपके कंपनी में से कोई लोग आए थे यहाँ इस WQB ग्लोबल सर्विसेज में? हाँ सर, एक बार नहीं दो बार गए थे उनका सीसीटीवी कैमरा फिक्स करने के लिए। दो बार आए थे सर, पहले गोपी और मधु गए थे पर पता नहीं वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। उसके बाद ऑफिस से कॉल आया, फिर मैंने दूसरा टेक्नीशियन भेजा। दो लोग आए थे पर पता नहीं कहाँ गए। कहाँ गए ये मधु और गोपी? पता नहीं सर। पता नहीं कैसे? सर मैंने उनको कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है, कहीं भाग तो नहीं गए? अच्छा, दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों यहाँ मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई के रहने वाले, उनके एड्रेसेस दो। घर में कोई नहीं है, लगता है भाग गया। घर की तलाशी लेते, देखते क्या मिलता है। ए, कौन है आप लोग? ऐसे कैसे बिना पूछे घर में घुसाए? तुम गोपी हो? नहीं, मैं पड़ोसी हूँ उसका। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी। ये गोपी कहाँ है? गोपी तो गांव चला गया। गांव चला? लेकिन कब? कल कल ही चला गया। तुमने खुद देखा उसे जाते हुए? हाँ, जल्दी में था। मैंने पूछा तो बताया कि गांव जा रहा हूँ। अच्छा, ये गोपी का गांव कहाँ पे? उसका गांव, हाँ, रामपुर। रामपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। रामपुर? अब तो पता करने के लिए उसके गांव ही जाना पड़ेगा। जी, अब मैं चलता हूँ। वो दरवाजा खुला नजर आया तो अंदर आ गया मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सर घर में गोभी तो नहीं मिला लेकिन उसका पड़ोसी मिला। लगता है सब कुछ जानता है लेकिन झूठ बोल रहा है सर। हाँ सर, नजर रखे हुए। ओके सर। जी कहिए। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से।
रुक जा, भाग मत। अरे भाग मत, रुक। सर लगता है भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा आसपास। एक्सीडेंट सर, कोई एक्सीडेंट हुआ है? हटिए प्लीज, प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड। ओह नो, मयूर एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर ये तो मर चुका है। मना किया इसे, भागना नहीं, भागना नहीं, माना ही नहीं है। देव सर ये चाबी भी है। क्लीन बैंक यार। सालुंखे क्या कह रहा है तू? केक में जहर नहीं है? नहीं बॉस, केक में जरा भी जहर नहीं है। यार सालुंखे, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि लोगों ने केक खाया और फिर हंसते हंसते एक एक करके मर गए, और तू कह रहा है कि नहीं, नहीं। मौत उनकी हंसते हंसते ही हुई है। मैं बताता हूं, देखो बॉस, ये इंसान का दिमाग का वो हिस्सा जो हंसी उभारता है, नीला पड़ गया है जहर की वजह से। और ये देखो, सांस लेने की नली, ये भी नीली पड़ गई है जहर की वजह से। मतलब सर, सबकी मौत जहर सूंघने की वजह से हुई है? सिर्फ पियोन को छोड़कर। बॉस, पियोन की मौत दम घुटने की वजह से हुई, और उसकी मौत इन लोगों की मौत से 3-4 घंटे पहले हो चुकी थी। और सर, उस पियोन के ऊपर जिस हथियार से वार किया गया था, वो हथियार आगे से चपटा और धार वाला और पीछे से गोलाकार था, जैसे कि कोई स्क्रू ड्राइवर। मतलब पियून बेहोश हो गया स्क्रू ड्राइवर जैसे हथियार की घाव से। खूनी को लगा कि पियून मर गया, तो उसने उसे उठाया और फ्रिज के अंदर रख दिया। बेचारा पियून हथियार के घाव से नहीं, बल्कि मरा फ्रिज के अंदर दम घुटने से है। अब पता लगाना ये पड़ेगा कि क्या योगेश, वो कॉल सेंटर का मालिक, क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा है क्या? कोई बिजनेस राइवलरी? सर ये फोटो है। योगेश और रिया। सर ये फोटोज देखकर लगता है कि इनका रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय से कुछ ज्यादा था। मगर सर ये फोटोज देव के लॉकर में कैसे? देव रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जरूर कोई ना कोई मतलब होगा जिसकी वजह से उसने ये फोटोग्राफ्स इतने संभाल कर रखे हैं। सर मुझे इस कस्टमर देव के बारे में एक जरूरी बात बतानी है आपको। कैसी बात? सर 2 दिन पहले इस देव ने अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले थे। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? सर इसके पहले इसके अकाउंट में इतने पैसे कभी नहीं थे, और ये सारे पैसे कैश में डिपॉजिट हुए हैं। सर हो सकता है ये देव इन फोटोज के जरिए योगेश को ब्लैकमेल कर रहा हो। हाँ सर, शायद इसीलिए योगेश ने देव को इतने सारे पैसे दिए उसका मुंह बंद करने के लिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस कॉल सेंटर के फुटेज में हमने देखा था ना कि योगेश के ऑफिस वर्कर्स ने देव को धक्के मार के वहां से निकाला था। अगर ये योगेश देव से डर रहा होता तो वो ऐसा नहीं करता। सर फिर देव के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए? योगेश और देव दोनों मर चुके हैं। अब जो भी पता चलेगा वो ये रिया ही बताएगी।
सर वो रही रिया, लगता है कहीं जा रही है। सर काफी जल्दी में रोक लें से। नहीं, पीछा करते हैं, देखते कहां जाती है। बैग तो खाली है। आप लोग यहाँ? हाँ, आपसे मिलने आए हैं। निखिल, मयूर, जरा देखो मैडम यहाँ पर क्यों आई थी। लेकिन ये छानबीन क्यों? क्या किया है मैंने? ये तो तुम बताओगे। मैं? सर, मेरा यकीन मानिए, मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो हम पता लगा लेंगे। सर, ये कार भी मेरी नहीं है। ये सच कह रही है, ये कार किसी योगेश के नाम पे है। योगेश? सर, ये फोन मिला है। आप चलिए हमारे साथ। रिया, तुम देव से प्यार करती थी ना? तो तुम्हारा उसका रिश्ता टूटा क्यों है? वो सब योगेश की वजह से। योगेश की वजह से? कॉल सेंटर का मालिक योगेश, तुम्हारा बॉस, उसकी वजह से? जी, उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, तुम्हें मालूम था ना देव के अकाउंट में अचानक से 4 लाख रुपए आ गए? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देव से तो मैंने मिलना जुलना बातचीत करना सब बंद कर दिया था। अच्छा, उस गाड़ी के डिक्की में जो बैग थी, उस बैग में क्या था? सर, मुझे नहीं पता, योगेश ने बस मुझे इतना कहा था। ये एड्रेस है, इसे संभाल कर अपने पास रखो। और ये चाबियां भी। योगेश, क्या है ये सब? देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम इस एड्रेस पर पहुंच जाना। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, कवर से ढकी हुई। उस गाड़ी की डिक्की में एक बैग रखा है, वो तुम अपने पास रख लेना। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा क्यों होगा? और उस बैग में क्या है? उस बैग में जो भी है, अगर हमारे पास कोई बुरा वक्त आया तो वो हमारे काम आएगा। तो योगेश को डर था, शक था उसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सर, हमें वो बैग खाली मिला था, फिर योगेश ने रिया को खाली बैग के लिए वहां क्यों भेजा? श्रेया, उस बैग में जरूर कोई ऐसी चीज थी जो खूनी और योगेश के लिए बहुत कीमती थी। शायद कोई ऐसी चीज जिससे पता चल जाए कि खूनी कौन है। तो उस चीज को लेकर गया कौन? कौन लेकर गया होगा? सर, योगेश की कार में जो टूटा हुआ सेलफोन मिला था, उसका डेटा निकालने के लिए मैंने भेज दिया। गुड। हाँ सालुंखे, बस इस टेडी बेयर में और इन फूलों में जहर है। सर, यानी कि इस जहर की वजह से कॉल सेंटर के लोगों की मौत हुई? नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस टेडी बेयर में और फूलों में जहर है, मगर बॉस वो जहर इतनी कम मात्रा में है कि उससे एक छोटा सा जीव तक नहीं मर सकता, एक चींटी तक नहीं मर सकती। अच्छा,
साळुंखे, जहर भले इन दो चीजों में कम मात्रा में है, पर कहीं तो जहर ज्यादा मात्रा में था जिसकी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। तेरे घर पे सीआईडी है? अरे बाप रे बाप, ये है तेरा रामपुरा। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं साहब। मैंने कुछ नहीं किया तो अपना घर छोड़कर इस बिल में क्यों छुपा बैठा है? मैं क्या बताऊं साहब, मतलब तो कुछ बोलना। साहब हम बहुत डर गए थे साहब। जी साहब। चलो तुम्हारा डर दूर करते हैं, चल। चलो सर, मैं प्यून रत्नेश को मारना नहीं चाहता था सर। वो तो मधु को बचाने के चक्कर में गलती से मेरे हाथों से उनकी जान निकल गई सर। मैं जरा पानी पी के आती हूँ। गोभी हाँ ठीक है, जल्दी आना। कैसे जाने दूं? शादी जो करनी है तुम्हारे साथ। बचाओ बचाओ गोपी, बचाओ। कान खोलकर सुन लो मधु, शादी हमारी होगी तो तुम्हारे ही साथ, वरना किसी के साथ नहीं, समझी तुम? मुझे नहीं करनी शादी वादी। बचाओ बचाओ गोपी। आज या तो तू हाँ बोलेगी, नहीं तो तेरा काम तमाम कर दूंगा मैं। शादी करेगी मुझसे कि नहीं? बचाओ भाई। खोलो, और शादी करेगी नहीं तू मुझसे? और शादी करेगी कि नहीं? और शादी करेगी नहीं मुझसे तू? बोल क्या कर रहा है? शादी करेगी? छोड़ी से। ए तू हमारे बीच में मत आ, दूरी नहीं तू हमसे? छोड़ी से। हे भगवान, ये क्या किया तुमने गोपी? मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता। अब क्या करें? अब क्या, अब जेल जाएंगे और क्या? नहीं। इसको इसमें छुपा के भाग सकते हैं। हाँ तुम्हें मालूम है रत्नेश मरा नहीं था, बेहोश था जब तुम दोनों ने उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। वो तो फ्रिज के अंदर दम घुटने से मर गया, पता है? क्या? और कॉल सेंटर के बाकी लोगों को क्यों मारा तुमने? बाकी लोग? नहीं नहीं सर, हमने और किसी को नहीं मारा। सर हम तो वहां से सीधा भाग गए थे। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। सर जब हम वहां से भागे तो ऑफिस में रत्नेश जी के अलावा और कोई नहीं था। हाँ सर मैंने देखा था, एक औरत वो कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानता सर, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। औरत थी? ये औरत ही खूनी है, कॉल सेंटर में फिर से जाना पड़ेगा। सर उनके सामने बताया था कि मरने वालों के शरीर में जहर उनके नाक के रास्ते अंदर गया है, मतलब जहर इस कॉल सेंटर की हवा में था। मरने वालों ने सांस लिया और जहर अंदर गया, वो मर गए।
और सर वो जहर कुछ ही देर तक हवा में था, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब रिया वॉशरूम से बाहर आई उस पर जहर का असर नहीं हुआ। पर सर वो जहर हवा में आया कैसे होगा, किसने किया होगा ये सर? सारुंके साहब ने ये भी बताया था ना कि वो फ्लावर और टेडी बेयर के ऊपर भी जहर के अंश मिले। फ्लावर और टेडी बेयर ठीक उसी जगह रखे थे जहां से एसी की हवा इस ऑफिस में आती है। यहां से जहर अंदर आया है। सर जरूर इस डक पाइप में कुछ गड़बड़ है। मयूर खोलो इसे। सर यहां से किसी केमिकल की बहुत तेज बदबू आ रही है। मास्क पहन लो। मास्क देना। मयूर कुछ मिला? अभी तक नहीं सर। संभाल के हाँ, ध्यान रखना। जी सर। सर मिल गया सर। लेके आ जाओ इधर। सर ये देखिए, सर ये वायर इस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। खूनी ने ये मेटल वायर इस सिलेंडर के नोजल से बांध रखा है। जब यहाँ पे पार्टी चल रही थी तो खूनी बाहर इस सिलेंडर के नीचे खड़ा था। उसने इस वायर को खींचा और इसके अंदर से जहरीली गैस इस एसी की हवा के साथ मिलके यहाँ पे आई और सबकी मौत हो गई। सर काफी प्लानिंग की है खूनी ने। अगर सर सब लोग मरने से पहले जोर जोर से हंस क्यों रहे थे? कोई ऐसा जहर है जो लोगों को हंसाते हंसाते मार देता है। है कौन सा ये जहर? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे साधारण भाषा में लाफिंग गैस भी कह सकते हैं। बॉस इस सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ ब्रोरो क्लोरो ट्राईआयोडाइड नाम का जहर भी मिलाया गया है। उसी लाफिंग गैस की वजह से सब लोग हंसने लगे और जहर की वजह से उनकी मौत हो गई। सर ये खूनी हो कौन सकता है? कोई ऐसा आदमी जो केमिकल्स की अच्छी जानकारी रखता है। सचिन, योगेश के टूटे हुए मोबाइल में से एक वीडियो मिला है। योगेश तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारे कारण मैं 2 साल जेल में रहा। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ करूंगा नहीं, घबराओ मत। पर मैं आज तुम्हारे सामने अपनी जान ले लूंगा। तुम्हें मरते दम तक ये याद रहेगा कि एक इंसान ने तुम्हारे कारण खुदकुशी कर ली। शालिनी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं आज तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। कौन है ये और ये
शालिनी कौन है? सर ये आदमी अरमान है और शालिनी अरमान की पत्नी। शालिनी के मोबाइल से ही ये वीडियो भेजा गया था योगेश के मोबाइल पे। सर मेरे सेल फोन से किसी को वीडियो भेजा? मुझे कुछ भी नहीं पता सर। और जहां तक के अरमान का सवाल है, वो मुझसे तलाक चाहता था और मैंने तलाक देने से मना कर दिया। उसके बाद ना ही मेरी उससे कोई बातचीत हुई और ना ही मुलाकात। अब वो जिंदा है या उसने खुदकुशी की मुझे कुछ भी नहीं पता। तुमने योगेश के कॉल सेंटर के एसी डक्ट में वो जहरीला सिलेंडर रखा था ना? सर मैं किसी योगेश को नहीं जानती और ना ही किसी कॉल सेंटर से मेरे कोई तालुकात है। झूठ बोल रही हो तुम। कोई आम आदमी कैसे जानेगा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में? शालिनी तुम एक लैब असिस्टेंट हो, ऐसे लैब में काम करते हो जहां पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनता है, लाफिंग गैस है ना? सर याद है, एक हफ्ते पहले हमारे लेबोरेटरी से नाइट्रस ऑक्साइड के 2 सिलेंडर चोरी हुए थे। 2 सिलेंडर चोरी हो गए? हाँ सर। तुम्हारे स्टाफ में कितने लोग हैं? सर हम लोग प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं और इन दिनों जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च चल रहा है उसमें मेरे साथ में 2 लड़कियां और भी हैं। गोपी बता रहा था कि उसने कॉल सेंटर के कॉरिडोर में एक लड़की को देखा था। एक औरत वो कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। शालिनी तुम्हारे साथ 2 लड़कियां काम करती है ना उस प्रोजेक्ट पर, कहां रहती है वो? सर वो लोग मेरे साथ ही रहते हैं। सर शालिनी का घर यही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? लगता है अपने को ही खोलना पड़ेगा। कोई है? ये दरवाजा अंदर से बंद था, कोई ना कोई तो होना चाहिए घर में। देखते हैं कहां छुप के बैठी हैं लड़कियां। सर हम सब हंस क्यों रहे हैं सर? सर कहीं नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं? ये वही है, इससे तो हमें मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी। कौन कर रहा है ये? बंद करो सर, हंसते हंसते जान निकल जाएगी सर। सर मुझे कुछ दिखाई ऐसे तो हमारी जान चली जाएगी। खून बह रहा है। सब मर जाएंगे सर, जान चली जाएगी। लेकिन जल्दी डॉक्टर को फोन करो। दया
कौन है तुम? जल्दी आ जाओ। सर आ जाओ। मैं क्या? तुम लड़की हो? लड़की कर रही है सब। साल पहले मैंने और योगेश ने एक बैंक को धोखाधड़ी करके अच्छा पैसा बनाया। मैं पकड़ा गया पर मैंने पुलिस को योगेश का नाम नहीं बताया। सबूतों के अभाव में मैं छूट गया पर जब मैं अपना शहर लेने योगेश के पास गया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर तुमने अपनी खुदकुशी का झूठा वीडियो बनाया जिससे किसी को तुम पे शक ना हो और योगेश और उसके पूरे स्टाफ को मार डाला तुमने। और इतना ही नहीं तुमने अपनी पत्नी शालिनी को फंसाने की कोशिश की उसके मोबाइल फोन से योगेश को वो वीडियो भेजकर। हाँ मैं और कल्पना एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं शालिनी को डिवोर्स देना चाहता था पर उसने मुझे डिवोर्स देने से सीधा मना कर दिया। तब मैंने एक प्लान बनाया क्यों ना योगेश को ऐसे मारूं कि शालिनी कातिल साबित हो जाए और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। सर मैं और शालिनी एक ही लैब में काम करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। सर मैंने चुपके से अरमान की खुदकुशी का वीडियो शालिनी के मोबाइल से भेजा था। शालिनी को पता था तुम दोनों के इस रिश्ते के बारे में? नहीं मैम उसे तो ये लगता है कि अरमान मर चुका है। और फिर तुमने योगेश को खत्म करके लूट का पैसा भी गाड़ी से चुरा लिया है ना? हाँ उसका पीछा करने के दौरान मुझे पता चला कि
कि योगेश ने एक बंद गाड़ी के डिक्की में सारा पैसा रखा है। तुम्हारे इस बदले की वजह से योगेश के साथ कितने मासूम लोगों की जाने गई, उनकी जिंदगी का क्या? मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि योगेश बहुत शातिर था। फिर कल्पना ने मेरी मदद की, इसने लैब से नाइट्रोज ऑक्साइड चुरा लिए। सर, हमने सोचा कि इस चोरी का इल्जाम भी शालिनी पर आ जाएगा, और फिर हमें नाइट्रोज ऑक्साइड के इस लीटर में जहर मिला के एसी के डक्ट पाइप में रख दिया। मैंने देव के जरिए कॉल सेंटर के सारे सीसीटीवी कैमरेज खराब करवा दिए, ताकि हम जहर वाला सिलेंडर डक पाइप में रखें तो उसे कोई भी सीसीटीवी कैमरा कैच ना कर सके। ओह, तो इसीलिए तुमने देव के बैंक अकाउंट में वो 4 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं? जी। अब जेल की काल कोठरी में बैठ के सोचना कि इतना सब कुछ किया पर मिला क्या। हांसी का फंदा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.